हेलो जी, समीर खान जी। यस सर। राजस्थान से हैं आप? जी हाँ। ये आपका आज तीसरा सिटिंग होगा? यस सर। फर्स्ट सिटिंग हुआ था कल, सेकंड और आज थर्ड। थर्ड। ये मतलब सेकंड सिटिंग में क्या फील कर रहे हैं? मतलब ये सेकंड सिटिंग में इतना बेस्ट लगा जिसके आदमी, मतलब मैं जब आया था ना तो मेरी कंडीशन आप बाकी सबसे पूछ सकते हो। मैं लेटा हुआ था क्या, मेरे से चला नहीं जा रहा था, उठा नहीं जा रहा था, बैठना तो दूर की बात थी। चला भी नहीं जाता कोई भी पोजीशन में आप रिलैक्स नहीं फील रिलैक्स नहीं फर्स्ट अभी कम से कम हुआ है जी। फर्स्ट डे जैसे मैं देख पा रहा था ना, आप चल पा रहे थे ना उठ पा रहे थे, और झुको रहा था मैं, यूं झुका झुका रह रहा था। बाकी अभी है ना मैं स्ट्रेट हूं, आगे की तरफ बॉडी आपके फॉरवर्ड बेंड होते जा रही थी। अब राजस्थान से हैं। यस सर। तो मैं एक बार बता दूं, इनका जो रिपोर्ट्स जो मैं दिखा रहा हूं L5S1 का सैक्रम देख रहे हैं, ये पूरा पोस्टीरियर शट गया हुआ है, एंटीरियर लैथेसिस था इनका। बाकी देख सकते हैं हम कितना ये कंप्रेशन है इसके साथ, ये एंटीरियर लैथेसिस के साथ ये देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड को कितने कंप्रेस कर रहा है। लैटरली अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा बैक साइड में प्रेस किया था, जिसके कारण इनको पैर में भी पेन आता था और बैक में भी पेन आता था, और ये कंटिन्यू एक पोस्चर में, क्या किसी भी पोस्चर में ये रिलैक्स नहीं कर पाते थे, ना बैठ पाते थे, ना सो पाते थे, ना चल पाते थे। इनका कल और ये नेक्स्ट आपका परसों दो ट्रीटमेंट हुआ है, दो ट्रीटमेंट में ये बता रहे हैं कि लगभग आप कितने परसेंट ठीक होंगे? मतलब 60% बेटर फील। 60% बेटर है। अब तो चलने में कोई दर्द नहीं हो रहा आपको? नहीं, चलने में कोई दर्द नहीं, मगर ये है कि हाँ ये पैर ना पिंडलियों में थोड़ा, हाँ पिंडलियों में थोड़ा दर्द आ रहा है। जो कंडीशन था आप जो मतलब पहले से तो बेटर है, ऐसा कंडीशन था कि आप बैठ नहीं पा रहे थे, बैठने में भी रो रहे थे। अभी आपका मतलब सी एस थर्ड सेटिंग है, थर्ड सेटिंग में देखते हैं हम लोग क्या होता है। यस सर। फिर उसके बाद का फिर देखते हैं। ओके, आ जाएंगे सर आप इसमें। इसको निकाल दीजिए। Before adjustment, a little bit mobilization, like around the vertebral muscles, paraspinal muscles. Because before adjustment, muscles automatically loose, then adjustment will be automatically smooth and painless. Mobilize like all paraspinal muscles. Dorsal to lumbar. Little bit of stretch like a lumbar spine. Problem like here. Oh. Like a sacrum goes to the posterior side and L5 goes to the anterior side. Like this sacrum and L5. Like this. Sacrum is goes to the posterior side and L5 goes to the anterior side. I'm giving the force like a H1 vertebra. Press the anterior. Ek lamba saans lenge. Chhodenge. Sacrum goes to the anterior side, little bit change. This type of contour adjustment like a hip extension. Leg straight, leg straight, leg straight. एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बस इसमें भी बॉडी रिलैक्स। दिस एडजस्टमेंट फॉर सीटी जंक्शन, सर्वाइकल थोरेसिक जंक्शन, क्लोज। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एडजस्टमेंट फाइव लाइक अपर डॉर्सल T3, T4 एंड T5। एक लंबा सांस लेके वन साइड टर्न, लेफ्ट साइड adjustment for like a lumbar rotation. One again. Turn another side.
ब्रेक डाउन एडजस्टमेंट फॉर सैक्रम वेट 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 स्ट्रेट लेट थोड़ा ऊपर जाएंगे नटल बट अप 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 सर्वाइकल एडजस्टमेंट decompression of all dorsal to dorsal to cervical okay are you okay okay jerk niche tak gaya bilkul niche tak firstly you check like a pelvis right is little bit high left is down just to check the area okay do chhod dijiye This pelvis is little bit high, so give the force. Okay. Okay. Keep the loose. Right, Jania. Udhar udhar press kar. Also adjustment like the S1 थोड़ा बॉडी को ट्रीट करेंगे बस थोड़ा वॉक कर लेंगे सर आज आपके थर्ड सेटिंग हो गए समीर खान जी यस सर आज आपके थर्ड सेटिंग हो गए अभी तो काफ़ी अलाइनमेंट सही हो चुका है मेरे हिसाब से 70-80% आप ठीक हो चुके हैं बाकी रहना क्या है जो हमारा ये जो है प्रिकॉशन जो दिया हुआ है इसको फॉलो करना है ओके जैसे 7 से 10 दिनों तक आगे नहीं झुकना है भारी वजन नहीं उठाना है जहाँ जहाँ दर्द हो 7 से 10 दिन तक सुबह शाम 2 से 3 मिनट बर्फ लगाना है 2 से 3 मिनट ये कमर के पास सुबह और शाम ठीक है 10 से 12 दिन तक कोई व्यायाम नहीं करना है खाने पीने में हमारे यहाँ से कोई परहेज़ नहीं है ठीक है बस इतना ही हमारा है इसको फॉलो करना है अगर इसमें 10 दिन दिया गया है अगर आप 15 दिन कर देंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा ओके ठीक है और बाकी जो रहा आप कैसा फील कर रहे हैं अभी तो वेटर लग रहा है सर ऐसा लग रहा है कि आप ठीक हो जाएंगे हाँ ठीक हो गए लगभग मतलब पहले तो जो हालत थी ना उससे तो बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रहा है क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को मैसेज तो यही सर जैसे मुझे क्या डॉक्टर ने ये कहा था कि आप 10 दिन के अंदर ऑपरेशन करा लीजिए नहीं तो पैरालाइज हो जाएगा क्या तो अब मुझे नहीं लग रहा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत होगी ऑपरेशन की अब आप ठीक हो जाएगा यस सर ठीक हो गए हैं बस थोड़ा वो जो नसें वगैरह रहती है ना अब जो बॉडी में जैसे ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है तो वो जो चीज़ है ना उस वहाँ तक ब्लड जाएगा तो मुझे लगता है कि हाँ 10-15 दिन में बेटर हो जाऊँगा हो जाएंगे एकदम होना ही है और बस थोड़ा प्रॉब्लम आपका क्रिटिकल है थोड़ा बीच में 1-2 बार और सेशन आपको आने होंगे अगले महीने या फरवरी में आने होंगे ठीक है ओके सर ठीक है बाय दोस्तों